सो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं EDM मेकिंग की, कि कैसे हम जो है EDM विजुअल जो है बनाते हैं हमारे रिमिक्स सॉन्ग के लिए। तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैं फिल्मोरा से ही बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाल ही में रिसेंटली जो मैंने अभी रिलीज किया था, बनाया था एक सॉन्ग, उसके EDM पर, मतलब उसकी ड्रॉप पर जो है मैं ये बनाऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने कुछ कैलिडोस्कोप वाले वीडियो विजुअल्स वाले वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं ये वाले, ये मैंने YouTube से डाउनलोड किए हैं। एक चैनल है RGBJLoop, उस पर ये मिल जाते हैं, और भी चैनल्स हैं जिन पर ये चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। मैं जो मेरे बनाए अच्छे नहीं लगते तो डाउनलोड वाले यूज करता हूँ, डाउनलोड वाले पसंद ना आए तो मैं खुद के बनाए यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ढूँढता हूँ मेरी ड्रॉप कहाँ है। यहाँ से ड्रॉप है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं कट करूँगा, और ये वाला पार्ट जो है मैं अलग करता हूँ, और ड्रॉप देखता हूँ मेरी कहाँ तक है, इतना मैं कर लेता हूँ। अब देखो आप इसकी जो है ड्रॉप सुनिए किस तरीके की है, इस तरीके से, मतलब ज़्यादा स्पेशल नहीं है, मतलब सिंपल टाइप की है। तो मैं पहले यहाँ कोई भी एक ऐसा कर लेता हूँ, जैसे ये वाला, यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका साइज मैं डिसाइड करके यहाँ पर चिपका देता हूँ। अब ये मेरी जो ये बार्स बने हुए हैं ये 1 बीट के हैं, ठीक है, एक बीट में एक बार है। तो आप यहाँ देखिए, ये सिंपल सा दिख रहा है, मतलब स्लो है, तो इसकी स्पीड हम जो है थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 2x कर लेते हैं। तो अब ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक आधा रखेंगे, ठीक है। और इसमें भी नहीं जम रहा तो इसकी स्पीड जो है हम 4x कर लेंगे, और इसको लगभग आधे में कर लेंगे, ठीक है, इतना। अब यहाँ से मैं और दूसरा लाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ये बाद में काम आने वाला है इसलिए इसको ऊपर रख लेंगे, और मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि यहाँ वहाँ ना हो। इसके बाद हम ये दूसरा रखते हैं, एक सा लाइन से नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर ठीक नहीं लगेगा। ये यहाँ से कट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अच्छे अच्छे डिसाइड करके जो है उनको यहाँ पे लगा लूँगा लाइन से, और फिर जहाँ पे जैसी बीट रहेगी उस तरीके से इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये मैंने इसका इतना बनाया है एक स्टेप का। अब जैसे यहाँ पर ये बीट के आगे है तो मैं इसको इतना कर दूँगा, और ये पीछे हो रहा तो इसको इतना, वैसा ही इसको इतना, मतलब मैं इनको पूरी बीट पर मिला लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ जहाँ से मैंने बीट से अलग किया था, ठीक है, इसको जैसे मैं इतना कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे, इसको इतना, और इसको इतना, इसको यहाँ तक लगा दूँगा। अब देखो, यहाँ तक मैंने सेट किया। अब इसकी जो है आगे की म्यूजिक सेम टू सेम इन्हीं के इसी के जैसे है जैसे यहाँ पर पहले बजता रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो ये चला गया यहाँ तक, ठीक है। इनकी भी जो है बीट सही से मिलानी होगी, कहाँ तक हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट है, यहाँ से है,
ये लैग करता है इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ से स्नेयर का इफ़ेक्ट आता है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इनके और टुकड़े अलग अलग करके इनको अलग अलग प्रकार के ये लगा देंगे, और भी मतलब और भी छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, जहाँ तक आता है वहाँ तक। ये इतना मैंने कर दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी अब इनको मैं कॉपी करूँगा और ये लास्ट वाले 1 2 है ना, दो बीट के हटा के इन्हीं को लगा दूँगा। ये इतने हटा के इनको यहाँ पे लगा दूँगा लास्ट का। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है और ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं पर बराबर सेट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये जो है सही से इस पर चलेगा नहीं क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बन गए हैं, तो इसको रेंडर करना पड़ेगा या फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है बन गया है। अब इस पर क्या करेंगे हम कि जितनी बीट हैं उस पर ये सैंपल कलर लगा देते हैं। जैसे ये रेड कलर हुआ तो रेड कलर को यहाँ पर रखे और वाइट कलर को भी रख लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको बिल्कुल सबसे छोटे फ्रेम में ले आना है, जो एक एक फ्रेम आए। ठीक है, ये एक फ्रेम का हमने ये कट किया और बाकी को डिलीट कर दिया। अब उसी तरह ये ब्लैक वाइट वाले के साथ करेंगे। ये इस तरीके से, ठीक है, और इसको डिलीट कर देंगे। अब मैं रेड वाला यहाँ बीच में लगा लूँगा और वाइट वाला यहाँ लगा लूँगा स्टार्ट में, और इसके बाद इसको कॉपी करना है और यहाँ हर बीट के साथ जो है, अरे सॉरी, यहाँ नीचे आ रहा है, इसको लॉक कर देते हैं और इसको जो है पेस्ट करते जाना है हर बीट के साथ। ये यहाँ तक मैंने पूरे तक लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर हमारे ये छोटे छोटे इफ़ेक्ट लगे हुए हैं वहाँ पर इनको मैं डबल कर दूँगा। ठीक है, तो डबल कैसे करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ बीच में पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है जहाँ पर फर्स्ट वाले राउंड में ये लगे हुए थे, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अब इसको एक बार बिना वीडियो के साथ देखते हैं, ये ब्लिंक बस को, है ना, जो पार्ट हमने अभी लगाए, और वीडियो के साथ देखेंगे तो वो लैग करेगा, अटकेगा बीच में, है ना। फिल्मोरा का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसको ऑन करते हैं, अभी हाइड है, अब देखना। ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पहले हम इसको रेंडर कर लेते हैं, फिर देखते हैं सही दिख रहा क्या नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से जो है हम EDM ड्रॉप बनाते हैं, EDM वाली, मतलब कैलेडोस्कोप वाली है ये। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है बताऊंगा ड्रॉप बनाना, जो किसी वीडियो से हम बनाएंगे, सिर्फ कैलिडोस्कोप से नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की EDM हो गई, EDM ड्रॉप, और बाकी दूसरे प्रकार की ड्रॉप भी हम बनाना सिखाएंगे इसी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, कभी कभार बोलता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।